Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सीजीएम कोर्ट में दर्ज इस मामले को लेकर 14 सितंबर को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर दलितों की हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। इस परिवाद में सीएम के ऊपर दलितों की हत्या को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य की हत्या किए जाने पर पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने के नियम बनाए जाने का आदेश संबंधित विभाग के अफसरों को दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में आईपीसी की धारा 153A, 505, 120B के तहत परिवाद दायर किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता गौरव सिंह ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है उस प्रावधान से दलितों की हत्या को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि बीते 4 सितंबर को सीएम ने बैठक में एक बड़ा निर्णय लेते हुए अधिकारियों को ये आदेश दिया कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत सतर्कता मीटिंग में मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्देश दिया था। सीएम नीतीश ने कहा था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति के परिवार के किसी एक सदस्य को हत्या होने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के लिए तत्काल नियम बनाए जाएं। अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अन्य संभावनाओं या योजनाओं पर विचार किया जाए। इसके अलावा और जो कुछ भी करने की ज़रूरत होगी उनके लिए सब कुछ किया जाएगा। अनुसूचित जाति के उत्थान से समाज का उत्थान होगा।